लोकतंत्र की पहली सीढ़ी ही चुनाव है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश में एक बार साफ और निष्पक्ष चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है। देश में औसतन हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहता है। लगातार चुनाव होते रहने के कारण देश हमेशा इलेक्शन मोड पर ही रहता है। इस वजह से प्रशासनिक और नीतिगत फैसले प्रभावित होते हैं, साथ ही देश पर भारी आर्थिक बोझ भी पड़ता है। इसे रोकने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का विचार लाया गया है। आमतौर पर भारतीय चुनावों के बारे में एक बात कही जाती है कि चुनावों में खर्च बहुत अधिक होता है। एक साथ चुनाव कराने से पैसों की बचत होगी और चुनाव प्रचार और तैयारियों में होने वाले खर्चों में भी कमी आएगी। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि एक साथ चुनाव का फायदा होगा कि सरकारें विकास कार्यों पर अधिक से अधिक ध्यान लगा सकेंगी और बार बार होने वाले चुनावों पर ध्यान नहीं देना होगा। भारत में लोकसभा के साथ विधानसभाओं के चुनाव पहले कई बार हो चुके हैं। 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में राज्य विधानसभा चुनावों का आयोजन लोकसभा चुनाव के साथ ही हुआ था। दुनिया के कई और देशों में भी एक साथ चुनाव का आयोजन किया जाता है। इसी साल इंडोनेशिया की अगर बात करें तो राष्ट्रपति चुनावों के साथ यहां लोकसभा चुनाव का भी आयोजन किया गया। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो कुछ इन बातों पर गौर फरमाएं आप। बार बार आचार संहिता लागू नहीं करनी पड़ेगी, नीतिगत फैसले लिए जा सकेंगे, विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे, नई प्रोजेक्ट्स की घोषणा कम समय के लिए ही रुकेगी, बार बार होने वाले भारी चुनावी खर्चे में कमी आएगी, बार बार चुनाव कराने से देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, एक बार चुनाव होने से कालेधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, बार बार चुनाव कराने से एकता और शांति को भंग करने का मौका मिल जाता है, बेवजह तनाव का माहौल बनता है। एक साथ चुनाव कराने से सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे वो अपने तय काम को सही समय पर पूरा कर पाएंगे। और यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी ने सर्वेक्षण समिति के गठन का प्रस्ताव रखा और इस मीटिंग में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी कमेटी के गठन की बात कही। वहीं इस मामले को लेकर टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव का कहना है कि उनकी पार्टी एक देश एक चुनाव का समर्थन करती है। केटी रामा राव ने कहा कि एक देश एक चुनाव पीएम मोदी का या फिर बीजेपी का एजेंडा नहीं है। टीआरएस नेता के मुताबिक पीएम ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर कोई जल्दबाजी नहीं है, ना ही उन्हें 2024 तक इसे लागू करना है। पीएम ने कहा कि मैंने आपके विचार सुने और मैं कोई नकारात्मकता और आलोचना नहीं देखता हूँ। ये आगे बढ़ने के लिए अच्छा कदम है। हम लोग एक कमेटी बना सकते हैं जो इससे सुझावों और जटिलताओं का अध्ययन करेगी। साथ ही बीजू जनता दल के अध्यक्ष और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का भी समर्थन इसमें हासिल हुआ। बैठक के बाद उन्होंने कहा, मैंने वन नेशन वन इलेक्शन के संकल्प का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चुनाव एक साथ होने चाहिए। साथ ही पटनायक ने ये भी कहा कि बीजेपी पूरी तरह से एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का समर्थन करेगा। देश के बड़े हित में एक दृष्टिकोण और रवैया रखना होगा। बीजू जनता दल ने हमेशा देश और उसके लोगों के हित में जो भी किया जा रहा है उसका हमेशा समर्थन किया है और हम भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस कहीं बटी हुई नजर आई। साथ ही हम आपको यहां ये भी बता दें कि इस बैठक में 14 पार्टियां शामिल नहीं हुई। एनडीए की सहयोगी शिवसेना भी इस बैठक में नहीं पहुंची, जबकि सीपीएम समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया।